गंगा नदी काफी उफान पर है और इसका असर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में देखने को मिल रहा है कई इलाकों में कई गांव जलमग्न हो चुके हैं तो हम अभी पहुंचे हैं जुरावनपुर में जुरावनपुर ये थाना है और ये देख सकते हैं थाना का बोर्ड है था ये थाना जो है थाने के अंदर लगभग दो से तीन फीट पानी आ गई है और ये जो देख सकते हैं कि ये थाना का बिल्डिंग है और इस थाने में लगभग दो से तीन फीट पानी आ गई है अभी इस गश्ती कैसे होती है यह भी हम जानेंगे लेकिन ये हम आपको थाने की बिल्डिंग दिखा रहे हैं। थाने की बिल्डिंग तो काफी चका -चक है थाना अध्यक्ष का कमरा ऊपर में है लेकिन नीचे जो स्थिति है वह काफी खतरनाक कहा जाए तो देखने लायक है क्योंकि ये जो देख सकते हैं कि थाना यहाँ पर लोगों की फरियाद सुनी जाते हैं यहाँ पर थाना अध्यक्ष महोदय कुर्सी लगाकर बैठते हैं और इस कुर्सी को चौकी के ऊपर रखा गया है हम थाना के अंदर भी जाएंगे जो जो पुलिसकर्मी है जो ये थाना अध्यक्ष है तभी अभी थाने के अंदर ही है तो ये देख सकते हैं कि ये थाने का परिसर है और यहाँ देखिए मंदिर में है मंदिर में भी हालांकि ऊपर नहीं चढ़ा है लेकिन इस थाने के अंदर देखा जा रहा है कि दो से तीन फिट पानी चढ़े हुए हैं कहीं यहाँ जो पुलिसकर्मी है वो हल वर्दी में नहीं है लेकिन थाने पर मौजूद है हम बात करना चाहेंगे सर ये कब से ये स्थिति बनी है ये परसों तो पानी रोड पर आ गया था लेकिन रात में जो है पानी पूरा घुस गया और रूम में भी घुस गया है रू, हाँ नीचे फ्लोर सब रूम में घुस गया तो देखिए नीचे का फ्लोर जो है थाने का परिसर में जो नीचे का फ्लोर होता है वह तो डूब चुका है जो नीचे रह रहे थे वो ऊपर चले गए हैं सर के अध्यक्ष महोदय सर ये बताइए की आपको तो थाना अध्यक्ष अभी कैसे हो रही होगी नाव द्वारा गश्ती होती है कोई सूचना संकलन होता है ऐसी कोई सूचना आती है तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है और हमारा कार्य है देश की सेवा करना हमारा कार्य है लोगों की मदद करना हमारे जितने थाना क्षेत्र में जितने पंचायत है वहाँ पे ग्रामीणों को कोई समस्या अगर लाइन ऑर्डर को लेकर होगा तो कानून व्यवस्था कायम रहेगा वो बाढ़ आए तूफान आए या कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हम डटे हुए लेकिन सवाल है सर की हमने कई गाँव को घुमाया अभी तक जिला प्रशासन की ओर से नाव की व्यवस्था नहीं की है तो आपको कहाँ पे नाव हमारा उपलब्ध है सीओ साहब के द्वारा मिला उपलब्ध की गई क्या कब से ये स्थिति उत्पन्न हुई कल रात से पानी ज्यादा बढ़ा हुआ है और अमूनन बाढ़ आता है यहाँ पे तो फिर जो भी लोग हैं ग्रामीण है और पुलिस का काम ही देखिए ये गौरव कुमार थाना अध्यक्ष महोदय हैं जो जिन्होंने बताया कि कल शाम से पानी तेज हुई है और धीरे धीरे बढ़ते जा रही है ये जो देख सकते हैं कि ये थाना परसर है और हाजत हालांकि अभी हाजत तक पानी नहीं पहुंचा है लेकिन जो स्थिति है और जो गंगा का जलस्तर और गंडक का जलस्तर जिस तरह से रफ्तार पकड़े हुए है अगर यह स्थिति कायम रही तो कहीं ये पूरा जो तो नीचे का फ्लोर है कहीं ना कहीं डूबने की स्थिति में आ चुकी है तो ये जो ये जो हम दिखा रहे हैं कि जुरावनपुर थाने की स्थिति है सिर्फ जुरावनपुर थाना ही नहीं राघोपुर के कई पंचायत कई गांव जो है जलमग्न हो चुके हैं कई घरों में पानी आ चुके हैं और ये जो बाढ़ की स्थिति नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रही है परमानंद सिंह एबीप न्यूज पटना